अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया खान किचन। मैं हूँ सोनिया खान। तो कैसे हैं व्यूवर्स आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल पर आलू की बिरयानी बना गए हैं। हम बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस चटपटी बिरयानी बनाएंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जो मुझे पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में घंटी के निशान को भी प्रेस कर लीजिए। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए, बिरयानी बनाने के लिए हमने आलू लिए हैं तीन अदद आलू लिए। इनका छिलका उतार के हमने इनको काट लिया है और वॉश कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हमने 2 खाने के चम्मच लिया है। और गरम मसालों में हमने इसके ये बादियान के फूल हैं, ये 3 अदद लिए हैं। तेज़पात ये भी 3 अदद हैं। ये छोटी इलायची है, ये हमने 4 अदद ली है। काली मिर्च ये हमने 15 से 20 अदद ली हैं। लौंग ये भी हमने तकरीबन 10-12 ली हैं। दालचीनी ये हमने 3 टुकड़े ले लिए हैं। ऐसे आप 3 पीसेस ले लीजिएगा दालचीनी के। बड़ी इलायची ये हमने 4 अदद ली है। ज़ीरा 1/2 टीस्पून हमने लिया है। आलू बुखारे हैं ये हमने 6 अदद लिए हैं। प्याज हमें चाहिए दरमियाने साइज़ की, 1 अदद, इसको हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। टमाटर हमने लिए हैं 4 अदद, दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, इनको भी हमने काट लिया है। और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, रेड चिल्ली फ्लेक्स, इसको हमने 1 चम्मच लिया है भर के। नमक हसबे ज़ायका है, मैंने 1 टीस्पून लिया 1 चम्मच भर के। राइस हमने 1/2 kg लिए हैं, 1/2 किलो। बासमती राइस हमने लिए हैं, इनको हमने 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया है। ये बिरयानी एसेंस है, ये हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून, 1 चम्मच हम इसका डालेंगे, बिरयानी एसेंस है ये। और ये केवड़ा एसेंस है, ये हम सिर्फ इसका 1 कतरा डालेंगे इसमें, पानी में मिक्स करके 1 से 2 इसके हम कतरे डालेंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। 1 प्याली हमने ऑयल लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें सबसे पहले प्याज शामिल करेंगे। अब हम इसमें तमाम गर्म मसाले शामिल कर देंगे। ताकि गर्म मसालों का भी ऑयल में अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। बस इसको इतना ही फ्राई करना है, प्याज का जैसे ही गोल्डन कलर आएगा फिर हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है, अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। साथ ही में लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब हम इसमें आलू भी शामिल कर देंगे और साथ ही में ये आलू बुखारे, नमक और कुटी हुई मिर्च, तमाम स्पाइसेस हमने शामिल कर दिए। अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करेंगे ताकि आलू हमारे गल जाएं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना है क्योंकि आलू जल्दी गल जाते हैं। अब हम इसको ढक्कन लगाकर दरमियानी आंच पे पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। तकरीबन 15 मिनट हो गए, हम इसको खोल के चेक करते हैं। ये देखिए ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है, मसाला हमारा भुनना शुरू हो गया है। ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। हम इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे। एक लीटर हमने पानी शामिल कर दिया है इसमें। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। अब हम इसमें बिरयानी एसेंस शामिल कर देते हैं, 1 टीस्पून ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही में हम इसमें केवड़ा एसेंस भी शामिल कर देंगे। केवड़ा एसेंस हमें सिर्फ 2 ड्रॉप्स चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा, देखिए इतना सा।
इससे हमारी बिरयानी का टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। इस टाइम पर हम इसमें नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम होगा तो हम इसमें और शामिल कर लेंगे। नमक हम थोड़ा सा इसमें और शामिल करेंगे, नमक कम है इसमें। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ये साबुत हरी मिर्चें हैं, ये तकरीबन हमने 5 अदद ली हैं, ये शामिल कर देंगे। और साथ ही में पुदीना है, ये 2 खाने के चम्मच है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। हमने इसमें 5 अदद हरी मिर्चें और पुदीना 2 खाने के चम्मच शामिल कर दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्च और पुदीने से इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। जैसे इसका पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसको दम पर लगा देंगे। देखिए पानी इसका खुश्क होना शुरू हो गया। अब हम इसमें जर्दे का कलर शामिल करेंगे, ये जर्दे का कलर है, ये थोड़ा सा हम ऊपर से डाल देंगे इसके ऊपर ताकि इसका कलर खूबसूरत सा आएगा। अब हम इसको ढक्कन लगाकर दम पे लगा देते हैं। बिल्कुल इसका फ्लेम हम बिल्कुल हल्का सा कर देंगे दम की आंच वाला, इसको हम 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं बिरयानी को दम पर लगाए हुए, अब हम इसको खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए इसको हम चेक करा देते हैं। देखिए कैसी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हुई है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। आप भी ज़रूर इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। लीजिए हमारी मज़ेदार सी आलू की बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसको सलाद रायते के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बिरयानी है ये। अगर आज की रेसिपी मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।